भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान काफी उत्साह का माहौल देश भर में देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ध्वजारोहण के बाद लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि उन्हें विकसित भारत के लिए देश भर से क्या क्या सुझाव मिले। उन्होंने कहा कि 2047 सिर्फ शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, इसके लिए लोगों ने अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर में रहने वाले किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएं, हर किसी ने 2047 में जब देश विकसित भारत की आजादी का पर्व मनाएगा तो हर व्यक्ति का उसमें योग्यता संपूर्ण भाव से दिखाई देगी। साथियों, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो। वहीं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को राजभवन में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया। बाद में उन्होंने आरएसी गारद की सलामी ली। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान राजभवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय के उच्च प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को पुस्तकें और मिठाई वितरित की। उन्होंने स्वाधीनता दिवस की सभी को बधाई देते हुए राष्ट्र की समृद्धि और संपन्नता के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने स्वाधीनता दिवस पर राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में T-55 का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक यह टैंक देश की सेना के पराक्रम का प्रतीक है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं ध्वजारोहण कर उपस्थित जनों को संबोधित किया। इस दौरान रंग बिरंगी प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया। इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इसे सफल बना रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से चल रहे बारिश के दौर के बावजूद यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए हुए हैं और आप सभी आगंतुकों के जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ जो इस राष्ट्रीय पर्व पर आप प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश की प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछले 8 माह में हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अहम फैसले लिए हैं। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्पांजलि कर शहीदों को नमन किया। इधर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा रोहण किया और वहीं उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के पड़ी चौपड़ स्थित सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्ष के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। इसके तहत दोनों दलों ने बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान विधानसभा में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ध्वजारोहण किया, वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया। सांस ले पा रहे ये हमको लाखों बलिदानियों के कारण हम ये क्षण हमको मिला है। आज सबसे पहले और सभी बलिदानियों को नमन करता हूँ, आप सबकी ओर से भी नमन करता हूँ, क्योंकि 1857 से ये स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। 90 वर्ष के बड़े संघर्ष के बाद इस देश को ये आजादी मिली। महापुरुषों में नाम गिराने को बहुत है, लेकिन हर क्रांतिकारी, हर स्वतंत्रता सेनानी सबने अपना जीवन इस देश को अर्पित किया। तो आज हम सभी इस बात का संकल्प लें कि देश मेरा है, ये देश के लिए जो कुछ भी सफल होगा मैं करूंगा। वर्तमान में यदि हम जाएंगे तो वर्तमान में इस समय देश की जो परिस्थितियां हैं, देश के चारों ओर जो परिस्थितियां बनती जा रही है, उसमें हमें और सतर्क रहने की, सावधान रहने की आवश्यकता है। जो बड़ा पिछले दिन हमारे पड़ोस देशों में घटना हुई है, वो जो चाहे सरकार भी उत्तर बांग्लादेश की है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, तो नेपाल का सत्ता परिवर्तन है, चीन तो है ही, तो हम सबको उसी प्रकार से, उस राष्ट्र भाव से हमको अपने देश के बारे में विचार करना पड़ेगा। इस देश की नींव बहुत मजबूत है। ये देश का ये आजादी के आंदोलन वर्षों से प्राचीन परंपराओं, यहाँ के सनातन संस्कृति के आधार पर रहा है। ये हमने 1947 में और उसके बाद 1950 में लोकतंत्र और गणतंत्र को हमें अपनाया, और इस लोकतंत्र की आवश्यकता है बाकी देशों में, भले इसके लिए कठिनाई हो, लेकिन यह देश प्राचीनतम है, लोकतंत्र है। पहले भी न्याय सभा, राजसभा सब प्रकार की व्यवस्थाएं थी, लेकिन आधुनिक रूप से जिस प्रकार का ये लोकतंत्र की व्यवस्था हुई है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में महापौर मुनेश गुर्जर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत ध्वजारोहण किया। इस दौरान दोनों महापौरों ने अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे वीर जवानों के बदौलत हमें ये आज़ादी मिली है, और हमें इसको बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। आदरणीय हमारे सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी ने भी आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा लगाया जाना चाहिए। ये ऐसा पर्व है कि हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि आज़ादी बड़ी मुश्किलों से मिली है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम आज़ाद देश में रहते हैं। और हमें इस पर्व को, बल्कि एक दिन नहीं, जिस तरीके से 3 दिवस पूरे जयपुर में झंडा रैली निकली है, सब हर घर झंडा फहराएंगे, इस पर्व को इतना नेशनल पर्व बना दिया गया है कि हर व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। मेरी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं, धन्यवाद। उधर जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश नवल सहित अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान भी किया गया।
आज आपके स्वाधीनता दिवस में सभी जयपुर वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। इस तिरंगा दिवस सभी ने हर घर तिरंगा अभियान, सभी ने घर घर पर तिरंगा लगाया है और एक बहुत ही अच्छा एक देशभक्ति का माहौल बना है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल सहित एडीजी एवं आईजी सहित अन्य पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी और कार्मिक मौजूद रहे। वहीं जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने पुलिस आयुक्तालय में झंडारोहण किया। वहीं राजस्थान एसीबी मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्मिकों में उत्साह का माहौल देखा गया। इस अवसर पर कार्मिकों को उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। भारत की आजादी का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। दरअसल ब्रिटिश शासन के मुताबिक भारत को 30 जून 1948 को आजादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान की बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसे लेकर पैदा हुए तनाव और सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरे के कारण भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी देने का फैसला लिया गया। इसके लिए लॉर्ड माउंटेबन ने 4 जुलाई को 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल प्रस्तुत किया। इसके साथ ब्रिटिश संसद में मंजूरी भी मिल गई और 15 अगस्त का दिन भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। 15 अगस्त के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।